नमस्कार एवरीवन, हम करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 5th का 6th पार्ट से। ठीक है, देखिए आप 5 पार्ट्स ऑलरेडी कर चुके हो, आपको पैटर्न पता चल गया होगा कि कैसे पैटर्न करना है। ठीक है, मींस सभी आइडेंटिटीज़ को साइन और कोस में कन्वर्ट कर दो, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे 90% क्वेश्चन। तो आप इस क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास इधर साइन में ऑलरेडी है, इधर सेक और टेन में है, तो हम क्या करेंगे पहले कि अब सुनो, जब भी रूट के अंदर आइडेंटिटीज़ हो ना, इस रूट के अंदर आइडेंटिटी है तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे ताकि रूट हट जाए, हमें स्क्वायर हटाना है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इधर हम कर देंगे क्या, रैशनलाइजिंग। क्यों? क्योंकि रैशनलाइजिंग करेंगे तो रूट हटेगा। देखो कैसे हटेगा, मैं रूट के अंदर ही करते हैं, 1 + sin a / 1 - sin a। जो नीचे टर्म होगी उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। समझ में आ गई मेरी बात, 1 - sin a है तो इसका 1 + sin a किया ऊपर और 1 + sin a किया नीचे, कटेगी बात तो वही आएगी हमारे पास। तो हमने क्या किया, इसको रैशनलाइजिंग कर दिया। इधर देखते हैं, sec a था ना, तो sec a को क्या हो जाएगा, 1 / cos a, क्योंकि मुझे सबको साइन और कोस में कन्वर्ट करना है। tan a क्या हो जाएगा मेरे पास, sin a / cos a। समझ में आ गया, सब कुछ देखो साइन और कोस के टर्म में आ गया सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं, 1 + sin a और 1 + sin a तो स्क्वायर बन गया, क्योंकि दो टर्म को मैंने सेम मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर बन गया। नीचे देखो, a - b, a + b, तो a - b, a + b क्या बनेगा हमारे पास, a - b और a + b क्या बनेगा, a² - b² यस और नो? तो a² - b² मीन्स 1 का स्क्वायर - sin² a² - b², रूट थोड़ा नीचे लगा देना। बच्चे क्या करेंगे, यहाँ तक रूट लगा देंगे, नहीं नीचे तक लगाना है रूट आपको, = इसको कुछ सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, एलसीएम ले लो ना, थोड़ा सा हो जाएगा। कोस इज कोस किया तो 1, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साइन ए। अब हमें चीज़ें क्लियर दिख रही है, देखो जब भी रूट हमारे पास ऐसे हो तो हम रूट को ऊपर और नीचे अलग अलग कर सकते हैं। तो साइन ए का स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। देखो इधर मेरे पास कोस में है, दो चीज़ें आप आपके पास, दो ऑप्शन है, या तो आप इसको साइन में कन्वर्ट कर दो या आप इसको कोस में कन्वर्ट कर दो, जो आपका मन पसंदीदा स्टेप है वो कर लो। अब एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी कि हम इसके अंदर एक आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं, वो कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस, चलो थीटा ले लो कोई दिक्कत नहीं है, = 1। यहाँ पे करेंगे तो उस तरीके से हो जाएगा, चलो देखते क्या करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो, नीचे भी तो रूट है हमारे पास, ठीक है, तो ये जो स्क्वायर है, देखो पूरे के ऊपर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। कैसे, अगर सपोज एक्स स्क्वायर के ऊपर रूट है तो इसका मतलब हुआ क्या, इस रूट का मतलब हाफ ही तो होता है, तो 2 से 2 कट के हमारे पास एक्स बन जाएगा। मींस डायरेक्टली अगर कहूँ तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। कौन बचा, 1 + sin a, 1 + sin a। नीचे देखो, रूट के अंदर 1 - sin² a, तो साइन स्क्वायर ए है ना, तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से देखो क्या होगी, इस साइन स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो 1 - sin² थीटा, तो 1 - sin² थीटा किसके बराबर है, कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन वो रूट के अंदर है, वो रूट के अंदर है ना, ये रूट था, तो रूट 1 - sin² की जगह कोस स्क्वायर थीटा। क्या मैं कह दूं कि देखो कोस स्क्वायर थीटा है, अब आप तो ये चीज़ जानते ही हो क्या, कि रूट में कोस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या, कि कोस थीटा का स्क्वायर। ये बात कहूँ या ये बात कहूँ, दोनों बराबर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, कट गया, मर गया, बचा कौन हमारे पास, बचा 1 + sin a / cos, दिस इज a ना, ओके, एंड cos a, बोलो यस और नो? यही तो हमें इधर देखो ना, इधर हमें यही तो हमें प्रूव करना था, = right hand side, और इट मीन्स वॉट, hence proved। समझ में आ गया, देखो क्वेश्चन का लाल कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ आपने रैशनलाइजिंग किया। क्यों किया, क्योंकि रूट हटाना था, यहाँ पे हमने साइन कोस में कन्वर्ट किया, इधर हमने फिर बाद में दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर किया, रूट से रूट कटा, हमें देखा इधर कोस है, अच्छा तो कोस है तो मतलब इसको हमने कोस में कन्वर्ट कर दिया इस आइडेंटिटी की हेल्प से, और काम हो गया, क्लियर है। सो मूव टू द पार्ट नंबर 7, तब तक आप वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें। देखो आपको चीज़ें आसान लगेंगी अगर आप समझेंगे तो, ट्राइंगल चैप्टर मुश्किल था, अब आपको होप्स हो, मैनी स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि हाँ सर अभी ईजी लग रहा है, तो समझो चीज़ों को। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, टेंजेंट है, सिर्फ इसी को साइन कोस में कन्वर्ट करना है, तो इधर साइन कोस में, बट कुछ कॉमन निकल रहा है, ऊपर साइन है, इधर साइन क्यूब है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि साइन थीटा को तो आप निकाल लो बाहर,
बचा कौन, वन बचा माइनस टू बचा, साइन क्यूब था ना, देखो ये क्यूब है, जस्ट वन सेकेंड, फोकस फोकस, हाँ तो ये क्यूब है ना, तो क्यूब में से भाई साइन क्यूब मतलब तीन बार लिखेंगे साइन साइन साइन, तो एक हमने साइन बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा हमारे पास, टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोस क्यूब, और कोस है तो मैंने क्या कह दिया, कोस बाहर निकाल लो, तो क्या बचेगा, टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, टेन थीटा को क्या कर देंगे हम, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, मतलब ये जो टर्म है ये कटने वाली है, ये भी कटेगा इससे, बोलो हाँ या ना, क्वेश्चन को समझो, बेफालतू में यूं नहीं कि बस क्वेश्चन सोल्व करते रहना, क्वेश्चन हमेशा सोल्व करने से पहले सोचा करो, साइन थीटा अपन कोस थीटा, साइन थीटा अपन कोस थीटा, ये तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, ये जो टर्म है ये कटेगी, मतलब साइन है इधर कोस है, आपके पास एक ऑप्शन है, या तो दो ऑप्शन है, या तो साइन को कोस में कन्वर्ट कर दो, है ना, क्योंकि कोस फिर पूरी टर्म सेम बन जाएगी, या फिर कोस को साइन में कन्वर्ट कर दो, जो आपको मन करे वो करो, बट करना ज़रूर है। आप एक चीज़ जानते हो क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन, ठीक है, सो देखो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा, इसको तो मैंने लिख दिया एज इट इज़, ये तो मुझे चाहिए, ये तो हो गया प्रूफ, बट बस थोड़ा सा मेहनत करनी है इन चीज़ों पे। मैं क्या कह रहा हूँ, साइन स्क्वायर को कोस में कन्वर्ट कर देते हैं, चलो तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, बोलो हाँ या ना, यस, तो देखो ध्यान से, लेकिन ब्रैकेट है माइनस है, बहुत केयरफुली करना है, टू का मैंने लिखा टू, बाहर माइनस था तो मैंने लगाया ब्रैकेट, साइन स्क्वायर की जगह मैंने लिखा वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और अब मैंने लगा दिया इसके ऊपर ब्रैकेट, एक ब्रैकेट तो इसके वाला था, एक ब्रैकेट इसका भी तो बंद करना था, और ये वाला ब्रैकेट इसका बंद किया, अच्छा ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि बाहर माइनस है सारा खेल खराब हो जाएगा, नीचे कौन रखा हुआ है, टू कोस स्क्वायर थीटा, इसको चेंज नहीं करेंगे कभी, इसको भी चेंज कर दो, अरे हमें सब कुछ कोस में चाहिए था ना, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए हमने सबको बदल डाला, लाइफ झींगा लाला, वन माइनस, अब सुनना मेरी बात, मैं टू को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ब्रैकेट अगले स्टेप में सोल्व करूँगा, अगर लगता है कभी कभी आपको कि गलती हो सकती है तो प्लीज़ आप एक स्टेप और सोल्व कर लो, कम से कम मार्क्स तो नहीं कटेंगे, तो ब्रैकेट टू को मल्टीप्लाई किया वन से तो टू आया, माइनस टू को मल्टीप्लाई किया कोस स्क्वायर थीटा से तो टू कोस स्क्वायर थीटा आ गया, बोलो हाँ या ना, मैंने एक स्टेप और से ले लिया, मैं वरना चाहता तो इसी में कर देता, बट समझना ज़रूरी है, गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, बोर्ड ये नहीं देखेगा कि आपको आता नहीं आता, क्वेश्चन आपने सोल्व किया या नहीं किया ये चाहिए उसको। अब सुनना, वन माइनस टू, ये प्लस का है एक्चुअली, तो ये हो जाएगा माइनस का टू, ये माइनस का था तो ये हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा टू कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब जो आधे बच्चे समझ चुके हैं क्या होने वाला है, कटेगा मरेगा पिटेगा और गुजरेगा, प्लस टू कोस स्क्वायर थीटा, प्लस टू कोस स्क्वायर थीटा, तो ये तो हो गया प्लस का टू कोस स्क्वायर थीटा, वन माइनस टू माइनस वन नहीं हो गया, नीचे तो हमारे पास सेम था, बोलो 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 क्या, कट गया मर गया पिट गया गुजर गया, और हमारे पास चाहिए क्या था, साइन थीटा अपन कोस थीटा, आपके पास ये आपके सामने है, आपकी आंखों के सामने, और मैं कह रहा हूँ कि इससे सिंपल क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता, साइन थीटा अपन कोस थीटा, साइन थीटा अपन कोस थीटा, और इसी साथ में कह दूंगा राइट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड एंड हेंस आई कैन से दैट दिस वन इज हेंस प्रूव्ड। बोलो समझ में आ रही नहीं आ रही बातें, इतने सिंपल क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे बताओ, ट्रिग्नोमेट्री आपको इतने सिंपल क्वेश्चन दे रहा है, जिस एक्सरसाइज से आप डर रहे हो वो देखो क्या निकल के आ रही है। तो अब आपको आई थिंक मजा आ रहा होगा, मजा आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि यस सर समझ में आ रहा है, या कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा तो क्लियरली बोल देना, सर मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ा, मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। अब सुनो एक कहानी, छोटी सी कहानी क्या है कि आपके पास कुछ लंबा क्वेश्चन है, आधे बच्चे देख के डरेंगे, नहीं डरना, डरना सख्त मना है, क्वेश्चन को एनालाइज करो, इधर टेन और कोट है, इधर साइन है कोस है, क्या कोस है और सेक है, देखो मुझे पहले दिख रहा है स्क्वायर, अगर मैंने इसको वन अपॉन साइन में कन्वर्ट किया तो थोड़ा लंबा थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, पहले हम स्क्वायर खोल देते हैं, तो हमने स्क्वायर खोला, ए स्क्वायर है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो प्लस में टू ए की वैल्यू साइन ए इंटू में बी, तो कोसेक ए प्लस, अब इसका स्क्वायर खोल देते हैं, फोकस जस्ट कैमरा फोकस, यस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये तो हमने इसको खोला,
इज इक्वल टू में कौन बैठा हुआ है, टेन स्क्वेयर कोट स्क्वेयर। अब देखो मेरी बात ध्यान सुनो, अगर अब मैंने इसको को सबको साइन कोस में कन्वर्ट कर दिया तो क्या बनेगा, पहले कुछ चीज़ें देखो, कुछ कट रही है क्या। देखो साइन स्क्वेयर है, ठीक है, कोस स्क्वेयर है, मुझे एक चीज़ दिख गई कि साइन स्क्वेयर और कोस स्क्वेयर मिलकर हमें क्या दे देगा, वन दे देगा। बोलो हाँ या ना, साइन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर में दे देगा वन। साइन है और कोस है, देखो ये तो अपोजिट हो गया ना, एंटी हो गए, साइन है कोस है कट जाएगा। अरे क्या कह रहा हूँ मैं, देखो साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर को लिख रहा हूँ पास 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 पास, क्यों, क्योंकि ये तो दे देगा वन दे देगा हमें, प्लस कोसेक स्क्वेयर ए को भी मैं एज इट इज रहने दे रहा हूँ, समझ में आएगी बातें। टू साइन ए को मैंने एज इट इज लिखा, कोसेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन अपॉन साइन ए। अरे कट गया ना ये तो, प्लस इसको तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ मैं, सॉरी दिस वन इज कोस स्क्वेयर, सॉरी आई एम रियली सॉरी, इसको लिख चुका हूँ। ये बचा सेक स्क्वेयर ए, तो सेक स्क्वेयर ए को भी मैंने लिख दिया टू कोस ए। सेक ए की वैल्यू क्या होती है, सेक ए की वैल्यू होती है कोस ए। क्या मैं कह दूँ कि साइन ए से साइन ए कटा मरा, कोस ए से कोस ए कटा मरा, बचा कौन, बचा कौन ये। अब देखो साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए की वैल्यू कितनी हो गई, वन हो गई, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, वन हो गई, प्लस बचा कौन कोसेक स्क्वायर ए, और बचा कौन सेक स्क्वायर ए, और दो ये हो गया, दो ये हो गया, दो और दो हो गया हमारे पास चार, हमें कितने चाहिए सात। अच्छा तो एक क्या कह दो, चार और एक पाँच हो गया। अब आप मेरी बात देखो, यू नहीं कि सब में बस सब कुछ कर दिया, क्वेश्चन को एनालाइज करो, हमें चाहिए कोसेक और सेक, इधर हमारे पास टेन और कोट। आप एक चीज़ जानते हो यार, कितनी बार पढ़ चुके हो आप, कितनी बार ये ट्रिक भी पढ़ चुके हो, वन प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है, और वन प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है। क्या आपको दिख नहीं रहा कि कोसेक स्क्वायर की जगह अगर मैं वन प्लस कोट स्क्वायर लिख दूँ तो कोट में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक को अगर मैं टेन में कन्वर्ट कर दूँ तो हो जाएगा, और मेरा क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। देखो सब कुछ, कभी भी क्वेश्चन आँख बंद करके नहीं करना है, आँखें खोल के करना है। कोसेक स्क्वायर की वैल्यू वन प्लस कोट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर की वैल्यू वन प्लस टेन स्क्वायर ए। जब भी एग्जाम करो, बोर्ड एग्जाम में, तो ये चीज़ें जरूर लिख देना। तो क्या मैं कह दूँ, पाँच और एक छः और एक सात, कोट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर को आगे लिख देता हूँ, अरे कुछ भी लिख दो, कोट स्क्वायर को हमने एज इट इज लिखा। देखो एक दो तीन चार पाँच छः स्टेप है, ठीक है, तो ये स्टेप मैंने, ये स्टेप मैंने जानबूझ के लिख दिया, वरना लिखता नहीं, कोसेक साइन कट जाता, ये एज इट इज वन डायरेक्ट स्टेप पे पहुंच जाता। तो आपके पास क्वेश्चन कितना सिंपल दिख रहा है, स्क्वायर दिखा था, मैंने स्क्वायर पहले खोल दिया, इसलिए मैंने इसको आगे इस तरीके से प्रोसीड किया, और आपका एक क्वेश्चन भी आपका इजीली हो गया। आज बाद में लिख देना क्या, यही हमारे पास कौन बैठा हुआ है, और यही हमारे पास क्या है, हैंस प्रूव्ड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 9 की। क्या आपको लगता है कि पार्ट नंबर 9 मुश्किल होगा, जैसे अभी तक क्वेश्चन कर रहे हो, क्या आपको लगता है पार्ट नंबर 9 मुश्किल होगा, बिल्कुल नहीं मुश्किल। टेन है, कोट है, कोस है के साइन है, कुछ नहीं करना, साइन को उसमें कन्वर्ट मारो। देखो आपको क्वेश्चन देखते ही थोड़ा एनालाइज हो जाता, उसमें स्क्वायर था ना, इसलिए मैं स्क्वायर खोलना पड़ा, फिर उसके बाद थोड़ा कुछ चीज़ों को देखा, हर एक स्टेप के बाद थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो हम मैंने क्या कहा, इसका सब कुछ खोल दो, सब कुछ खोल डालो। कोसेक ए की वैल्यू वन माइनस वन अपॉन साइन है, ये हमारे पास वन माइनस साइन है, सेक ए की वैल्यू वन अपॉन कोस ए, कोस ए की वैल्यू कोस ए इज इक्वल्स टू वन डिवाइडेड बाई टेन ए, टेन ए क्या है साइन ए, डिवाइडेड बाई कोस ए, कोट ए की वैल्यू कोस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। अब क्या आप एलसीएम एलसीएम, अरे एलसीएम तो बच्चे सीख लेते हैं, अब आपको सिर्फ करना क्या है, एलसीएम ही तो लेना है, और चार नंबर फ्री फंड गए आपके यार, फ्री फंड के नंबर है चार नंबर। सुनो यहाँ पे क्या था वन, यहाँ पे क्या लोगे वन, हमने क्या लिया पहले इसका एलसीएम लिया, चलो ले लो फिर, जब हमने इसका एलसीएम लिया साइन और वन का, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन है, साइन को साइन से डिवाइड किया तो वन आया, वन को मल्टीप्लाई किया वन से, वन को साइन है, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए कोस ए, कोस को कोस से किया वन आया, वन को मल्टीप्लाई किया वन से, वन को किया कोस से डिवाइड तो कोस ए आया, कोस ए को मल्टीप्लाई करेंगे कोस ए तो कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इधर भी करना पड़ेगा थोड़ा सिंप्लीफाई, इसको तो अभी थोड़ी देर वन को रहने दो, छुपा दो, नीचे देखो कोस और साइन का एलसीएम क्या आया, कोस ए इंटू साइन ए। अब सुनो कोस को डिवाइड किया इससे तो की कट गया, बचा कौन साइन है, साइन ए को मल्टीप्लाई करेंगे साइन से तो साइन स्क्वायर ए
प्लस साइन को डिवाइड करेंगे साइन से, तो साइन से साइन कट गया, बचा कौन कोस, कोस के मल्टीप्लाई करेंगे कोस से, कोस स्क्वायर ए, बोलो हाँ या ना। अरे इतने इससे आराम से क्या समझाऊंगा, अब मेरी बात सुनो, वन माइनस साइन स्क्वायर है, आप जानते हो क्या होता है, बिल्कुल जानते हो आप। अरे ये आइडेंटिटी अगर नहीं जानोगे तो फिर तो मैं कहता हूँ किताबों को जला दो, अगर ये आइडेंटिटी अब तक याद नहीं हुई तो किताब को जला के फेंक दो, ठीक है, कोई पढ़ने का मकसद नहीं तुम्हारा। फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू वन, वन माइनस साइन स्क्वायर, अरे कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, वन माइनस कोस स्क्वायर ए, समझ में आ रही है मेरी बात। तो जब दिखे, जब भी ऐसी आइडेंटिटी दिखे दिमाग में बत्ती जल जानी चाहिए, अरे ये तो हमें पता है, वन माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कोस स्क्वायर ए, तो मैंने लिख दिया कोस स्क्वायर ए, नीचे हमारे पास कौन बैठा हुआ है, साइन है, मल्टीप्लाई, अरे मल्टीप्लाई ही तो है, वन माइनस कोस स्क्वायर की वैल्यू साइन स्क्वायर है, नीचे कौन बैठा हुआ है, कोस है, इज इक्वल टू, देखेंगे कोई कटेगा तो, वन तो था, देखो ये पूरी की पूरी हमारे पास एक टर्म थी, ये पूरी की पूरी एक टर्म थी, जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, उल्टा नहीं हो जाएगा, कोस है, ये हो जाएगा साइन है, नीचे अरे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर नीचे आने वाला है, बट ये अनफॉर्चुनेटली हमारे पास क्या बन गया, वन, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वन हो गया ना, ठीक है, ये तो बन गया वन, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आता नीचे, ठीक है, कुछ देखो कट रहेगा, कोस स्क्वायर है, क्या मैं कह दूँ इस कोस स्क्वायर को, मैं बच्चों की तरह कराऊंगा आपको, आई थिंक यू आर ए किड, कोस ए इंटू कोस लिख दूँ इसको, बिल्कुल साइन स्क्वायर लिख दूँ, साइन ए इंटू साइन ए, साइन ए इंटू कोस ए, सर और बच्चे की तरह समझाओ, जस्ट चुप हो जाओ ना, शट अप, साइन ए कैंसिल आउट, कोस ए कट गया, बचा कौन, वही बचा जो हमें चाहिए था, अरे इधर तो वन को वन सर, वन इधर कौन बैठा हुआ है, कोस ए और साइन ए, खत्म, इधर कौन था, कोस ए, और इधर कौन है मेरे पास, साइन ए इज इक्वल टू में कोस ए साइन ए, पता नहीं समझ में आ रहा, जोर से चिल्ला दो, यस सर, यहाँ तक आवाज़ आ जानी चाहिए आप लोगों की समझ में आ गया, ये तो सर मैं हर क्वेश्चन में लिख के आऊँगा, हैंस प्रूव्ड है ना, हैंस प्रूव्ड, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 9, और होप सो आपको मज़ा आ गया होगा इस क्वेश्चन को देख के भी, कितने सिंपल तरीके से हम 8.4 एक्सरसाइज को कर रहे हैं, आप मज़े का उठा रहे होंगे, आपको मज़ा आ गया होगा आई थिंक, सो अगर किसी भी दोस्त को आप डाउट है तो आप इस वीडियो को उस तक पहुँचा दो, किसी को डाउट है तो, अब देखो ये बीच में इक्वल टू है, इधर टैन को देखो, मेरा बात सुनना मेरी बात, टैन कोट सब कुछ टैन और कोट में है ना, और आप एक चीज़ जानते हो कि टैन इज इक्वल टू वन अपॉन कोट, तो इसमें हमें साइन और कोस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आ रही है, इस क्वेश्चन में साइन और कोस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ टैन और कोट में जानते हैं, समझ में आ गई मेरी बात, कभी यू नहीं कि सबको टैन सब साइन कोस में कन्वर्ट करने बैठ गए, तो कर दो सोल्व, वन प्लस टेन स्क्वायर ए, सबको टेन में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लास्ट में टेन चाहिए, वन प्लस, तो कोट क्या हो जाएगा हमारे पास, वन अपॉन टेन ए, अरे जब टेन इज इक्वल टू वन अपॉन कोट है तो कोट ए इज इक्वल टू वन अपॉन टेन ए, तो कोट स्क्वायर ए है, कोट स्क्वायर मीन्स क्या मैं कह दूँ कि वन अप, जब स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा ना, तो वन अपॉन टेन स्क्वायर ए, ठीक है, चलो एक काम करते हैं, पहले इसी को सोल्व करते हुए चलते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर ए, नीचे क्या होगा, अब इसका एलसीएम लेंगे, किसका एलसीएम लेंगे, इस वाले पार्ट का, दिख रहा है इस वाले पार्ट का, तो वन और टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, टेन स्क्वायर ए, वन को डिवाइड किया तो टेन स्क्वायर आया, टेन स्क्वायर ए को मल्टीप्लाई करेंगे वन से, प्लीज़ आप एलसीएम लेना सीख गए होंगे मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपसे, टेन स्क्वायर को डिवाइड किया इससे कट गया, वन को किया वन आ गया, अगर आपने एलसीएम लेना नहीं सीखा तो फिर तो आपको पर्सनली यहाँ पे आना पड़ेगा मेरे पास, अब सुनो, तो वन प्लस टेन स्क्वायर एज इट इज आ गया, ये जो पार्ट था ये ऊपर जाके क्या मारेगा, पल्टी मारेगा, तो पल्टी मार दो, टेन स्क्वायर ए कहाँ चला गया हमारे पास, ऊपर, टेन स्क्वायर ए प्लस वन कहाँ आ गया, नीचे, तो क्या मैं कह दूँ कि ये जो टर्म है और ये जो टर्म है सेम ही तो है भाई, वन प्लस टेन स्क्वायर है, ये टेन स्क्वायर ए प्लस वन है, तो क्या मैं कह दूँ ये टर्म तो हमारे पास कैंसिल आउट हो गई, कट गई, मर गई, बचा कौन, टेन स्क्वायर ए, अरे देखो ये तो हमें प्रूफ करना था, मतलब इसको तो हमने प्रूफ कर दिया, ये टेन स्क्वायर है, बचा ये, अब देखो
वन माइनस टेन ए का स्क्वायर है, वन माइनस कोट ए का होल स्क्वायर है, तो कैसे करेंगे? स्क्वायर क्या, देखो कहीं टू दिख रहा है आपको, टू तो मीन्स आप स्क्वायर तो खोलोगे नहीं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाने वाले हो नहीं, समझ में आ गई मेरी बात? तो क्या करेंगे, वन माइनस टेन ए कोट ए को कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, वन दोनों जगह माइनस है, यस टेन ए, ठीक है, इसको मैंने टेन में कन्वर्ट कर दिया। अब कुछ नहीं करना, एलसीएम लेना बस और मजे लेना क्वेश्चन के, वन माइनस टेन ए। अब सुनना मेरी बात, अब मेरी बात सुनो, कान खोल लो पहले अपने, यहाँ पे क्या है, वन है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि ऊपर तो स्क्वायर है ही, उसको मैं नहीं कह रहा, मैं इसको कह रहा हूँ, इसे क्या लेंगे, एलसीएम। वन और टेन ए का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, टेन ए। तो वन को किया टेन ए, टेन ए मल्टीप्लाई बाई वन, टेन को टेन से डिवाइड किया वन आया, वन को मल्टीप्लाई किया वन से तो वन आ गया। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। टेन ए माइनस वन डिवाइडेड, दोबारा क्यों लिख रहा हूँ, चलो दोबारा नहीं लिखेंगे हम। ये देखो ये हमारे पास क्या है, एक पूरी की पूरी टर्म, देखो जो टर्म होती है वही पलटी मारेगी, कुछ और पलटी नहीं, इसको नहीं ले जाना सिर्फ, ये पूरा का पूरा ये सोल्व होके ये पूरा टर्म आया ना, तो इसी को पलटी मारेंगे हम, ठीक है। तो टेन ए कहाँ चला जाएगा हमारे पास, और टेन ए माइनस वन कहाँ आ जाएगा हमारे पास। देखो अच्छी बात क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है, वरना होती दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे वन माइनस टेन ए, यहाँ पे टेन ए माइनस वन है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ माइनस कॉमन निकाल दे रहा हूँ, तो माइनस कॉमन निकालूंगा तो टेन ए माइनस वन हो जाएगा। नीचे वाले को मैं लिख रहा हूँ एज इट इज, ठीक है। अब इनटू में हमारे पास क्या है, टेन ए, और हम कर देंगे इसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर था ना, इसको मैंने माइनस कॉमन निकाला, ये एज इट इज़, बाकी सब एज इट इज़, बाकी सब दिख गया होगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, मर गया पिट गया गुजर गया, बचा कौन, माइनस, अरे माइनस का स्क्वायर प्लस ही तो होता है, माइनस को दो बार मल्टीप्लाई कर दो, मैं कह रहा हूँ माइनस का स्क्वायर कर दो, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस, तो कट गया, क्या हो जाएगा प्लस, तो ये तो हो गया प्लस, बचा कौन, टेन ए का स्क्वायर, और टेन ए का स्क्वायर क्या होगा, टेन स्क्वायर ए, ये तो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, इधर हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब मुझे एक बार बता दो, क्या आपको समझ में आ गया कि जो 8.4 एक्सरसाइज है वो सिंपल है, मुश्किल कुछ नहीं। सो आपको होप सो मज़ा आया होगा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आपका यहाँ पे दी एंड होता है, और आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा इस चैप्टर को, और आप कह सकते हो कि ये चैप्टर आपके पास है वो क्या है, ईजी है, क्या है, ईजी है, बोलो हाँ ना, ठीक है। तो ऐसे ही आपके पास अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, डोंट नॉट वरी अबाउट दैट, सारे लेक्चर्स कंटिन्यू देखा करो, कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना, स्पेशली इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर्स होते हैं, अगर आपने कुछ भी चीज़ें मिस की ना, तो आप बाद में कुछ समझ नहीं पाओगे, समझ में आ रही है मेरी बात। सो प्लीज़ आप फोकस बनाए रखें, लेक्चर कंटिन्यू अटेंड करें, सारी क्लासेस ज़रूर देखें, ठीक है, और टाइम टू टाइम मैं आपको हर लेक्चर और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी डालता रहूँगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।